What's up everyone, ये बात पेश कुमार here and आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है because आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आज मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, आज मैं बस आप लोगों से दिल की बात करने वाला हूँ. So मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला, this was the post. अगर आप लोगों ने ये देखा नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गो ऑन माई इंस्टाग्राम एंड हैव अ लुक. तो इस पोस्ट को लेकर आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू फॉर दैट. एंड इस पोस्ट को लेके काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे कि मेरी एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी. सो दिस पोस्ट वॉज अबाउट माई पर्सनल स्टोरी, हाउ एग्जैक्टली आई बिकेम अ पायलट. तो उसको लेके काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे एंड आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड टेल यू गाइज मेरी एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी एंड हाउ आई गॉट टू वेयर आई एम राइट नाउ. This video will be divided into two parts. Part 1 will be aviation से पहले मेरी life क्या थी and part 2 will be aviation के बाद मेरी life में क्या क्या हुआ. So let's get started with part 1. So, बात है 2008 की, जब मेरा क्लास 10th का रिजल्ट आया. बाई चांस, किस्मत कह लो या मेरी मेहनत कह लो, जैसे भी, आई गॉट रियली गुड मार्क्स एंड बहुत ही लाजमी था, सबको लगा कि हमारा लड़का बहुत स्मार्ट है और ये IIT कर सकता है. आई हैड ऑलवेज बीन एन अबव एवरेज स्टूडेंट बट नॉट अ ब्रिलियंट, यू नो, क्लास में टॉप करने वाला और 100 नंबर लेके आने वाला वैसा नहीं था, बट आई हैड बीन एन ओके स्टूडेंट एंड क्लास 10th में अच्छे नंबर आ गए तो सबको लगा कि हाँ ये IIT कर सकता है. उस टाइम पे भी जैसे आज भी है, IITs को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज था, आई थिंक होना बनता भी है, दे आर ग्रेट इंस्टीट्यूशंस. सो हुआ ये कि रिजल्ट आया, सबको लगा IIT हो सकती है, मेरे को भी लगा कर सकता हूँ मैं. इवन आई पर्सनली थॉट कि हाँ ठीक है, नंबर अच्छे आए हैं, मैं स्मार्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गया एंड IIT की कोचिंग ज्वाइन कर ली. क्लास 11 स्टार्ट हुई तो मेरा रूटीन कुछ ऐसे था कि सुबह 5 बजे उठता था, 5 से 7 तक पढ़ाई करता था, फिर तैयार होकर स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आके आधे घंटे का ब्रेक लिया एंड देन फिर शाम को 5-6 बजे तक पढ़ाई करता था, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलता था जिसमें मैं फुटबॉल खेलता था. उसके बाद फिर वापस घर आया, पढ़ाई करी, फिर से डिनर किया, सो गया. ये मेरा हर रोज का रूटीन था. वीकेंड्स पे कोचिंग के लिए जाना होता था तो कोचिंग सुबह आई थिंक 8 बजे शुरू होती थी एंड शाम को 4-5 बजे तक चलती थी. सो दिस बिकेम माई रूटीन एंड माई लाइफ फॉर द नेक्स्ट 2 years, क्लास 11th एंड क्लास 12th. नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर लाइफ में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत आसान लगती है. You feel like doing it और वो काम नहीं लगता. You actually feel good when you do it. पर आपको अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ करनी पड़े तो वो जितना काम होता है वो उससे ज़्यादा फील होता है. मन नहीं लगता, दिमाग यहाँ वहाँ भटकता रहता है एंड यू जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी. इवेंचुअली आई रियलाइज कि मेरे को IIT नहीं करनी है, बट बाय देन इट वॉज टू लेट टू से इट आउट लाउड. सो फर्स्ट क्या था, कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था. सो व्हाट आई डिड वाज आई ड्रैग्ड अलोंग, चलता रहा साथ साथ. जितनी पढ़ाई होती थी उतनी पढ़ाई कर लेता था, जब पढ़ाई नहीं होती थी तो अपना किताब खोल के बैठ जाता था और अपनी डे ड्रीमिंग शुरू कर देता था, कुछ भी करता रहता था. डे ड्रीमिंग चलती थी, उस टाइम पे मैंने पोएट्रीज लिखनी शुरू करी जो मैं आज भी लिखता हूँ, तो उसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी. ये सब चलता रहा, इवेंचुअली क्लास 12th के बोर्ड्स आए, बोर्ड के एग्जाम्स दिए, ऑब्वियसली इतने अच्छे नहीं हुए. द फेटफुल डे केम, IIT वाला एग्जाम दिया, मुझे अंदर से पता था नहीं होने वाला एडमिशन, बिकॉज कभी मन लगा के पढ़ाई नहीं करी. अगर शायद से मन लगा के पढ़ाई करता, ध्यान लगाता तो हो जाता, बट क्योंकि कभी खुद के मन से ही नहीं था, खुद के अंदर से कभी आवाज़ ही नहीं आई कि हाँ तो पेश तुझे यही करना है. एंड जब तक खुद के अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, खुद से नहीं करना चाहोगे, कोई और पुश करा के तुम्हें कोई चीज़ नहीं करवा सकता. सो दैट्स व्हाट हैपन, आई गेव द एग्ज़ाम IIT वाला एंड देन माई डैड गॉट ट्रांसफर टू बैंगलोर. So we had to shift to Bangalore before the results came out. So when I was in Bangalore, results आए class 12th के भी and IIT वाले भी. class 12th में इतने अच्छे नंबर नहीं आए, पूछना मत कितने आए, नहीं बताने वाला मैं. उसके बाद IIT का रिजल्ट आया, ऑब्वियसली नहीं हुआ एडमिशन. तो उस टाइम पे मेरे से फिर से एक गलती हुई, मैंने उस टाइम फिर से नहीं बोला कि मुझे लाइफ में क्या करना है एंड दैट इज समथिंग आई काइंड ऑफ रिग्रेट. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग, इफ यू गाइज हैव समथिंग इन योर हार्ट, प्लीज स्पीक अप. अगर तुम अभी जो कर रहे हो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो, तो प्लीज डोंट, प्लीज स्पीक अप, बी लाउड अबाउट इट, पुट इट अक्रॉस टू द अदर पर्सन, योर लाइफ विल ड्रास्टिकली चेंज, बिलीव मी. सो मैं ये नहीं कर पाया. 12th के बाद एक साल और ड्रॉप करने के लिए डिसाइड हुआ, तो अब मैं बैंगलोर में था. बैंगलोर में आई हैड नो स्कूल, नो फ्रेंड्स, नो कोचिंग क्लासेस, कुछ करने को ही नहीं होता था यार. पूरे दिन, सारे दिन मैं घर पे रहता था, जैसे आजकल हम लोग रह रहे हैं क्वारंटाइन, मेरा भी एक साल उस टाइम पे क्वारंटाइन चला था, बिकॉज आई न्यू नो वन इन बैंगलोर, टोटली न्यू प्लेस फॉर मी. सारा टाइम घर पे रहता था, वही सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करने बैठ जाओ एंड फिर रात के 9-10 बजे तक पढ़ाई चलती रहती थी. उसमें से पढ़ाई काफ़ी कम होती थी एंड मैं किताब खोल के मेरी डे ड्रीमिंग और मेरी पोएट्री काफ़ी ज़्यादा होती थी.
I still have those poems by the way. कभी recite करूँगा. So ये poetry और ये सब चलता रहा. So इस तरह से ज़िंदगी का एक साल और निकल गया. पूरा 2010 and 2011 का मार्च आ गया. अभी भी मैं वही कर रहा था. बैठ के पढ़ाई नहीं करता था. किताब सामने खोल के अपने सपने देख रहा था. 2011 के मार्च आते-आते लेकिन अब पानी सर से ऊपर जाने लग गया था. Because it was starting to affect my mental health. बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था. Because पूरे पूरे दिन घर पे बैठना और बिना कुछ किए दिमाग सच्ची में ख़राब हो ही जाता है. और उस टाइम पे ना इंटरनेट होता था, ना फेसबुक होता था, ना दोस्त होते थे, ना व्हाट्सएप होता था किसी से बात करने के लिए. फ़ोन तक नहीं था यार मेरे पास. तो ये सब चीज़ें देखते हुए बहुत ज़्यादा हो गया था. इसीलिए ऑन 17th of March 2011 आई डिसाइडेड कि यार अब नहीं हो सकता ये, अब तो बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्पोक अप फाइनली. आई पुट इट अक्रॉस कि मेरे से ये IIT नहीं हो रही है, मेरे से ये पढ़ाई और नहीं हो रही है, मुझे पायलट बनना. एंड दैट वॉज द डे when my life changed. Like literally on 17th of March 2011, जिंदगी went from like there to there in just one day. And all because I spoke up. So that is why I urge you all, अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, not a similar situation, किसी और जगह, किसी और चीज़ में, किसी और problem में फंसे हुए हो, please speak up. If you do, you never know how things might change for you. तो अब इसके आगे की कहानी मैं आपको next video में बताऊँगा कि 17th March 2011 के बाद क्या क्या हुआ एंड मैं कैसे कैसे आज जहाँ पे हूँ वहाँ तक पहुँचा. बट आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड डू गिव इट अ थम्स अप. शेयर इट विद समवन जिसको आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.